सब हम सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम नरेगा में जाते हैं। एक नरेगा के अधिकारी ने हमारे 12.5 रुपए दिन भर की मजदूरी हमें निकाली है, हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या। फिर आपको 3 दिन बाद तो मेरे भी सरपंच के चुनाव थे, फिर मैंने इनको कहा कि मैं तो आपके पास आया, हमारा कुछ करो। 3 दिन में मैं क्या करता क्या नहीं करता। फिर मैंने इनसे ये मजाक करी, जो जो अधिकारी आपके 12 पैसे निकाले ना, आप उसको एक बार वहां नरेगा पर बुला के कल सुबह उसको थोड़ा जिमा दो। पीछे मैं बैठा हूं, मेरे को पता नहीं ये हल्की की मिसेज बैठी है, इनके सारी महिलाएं मेरे पास आई थी, इन्होंने राइट सुबह 10 बजे उसको बुला के खाई में पटका और जिमा दिया। और जिमा रिमोट में मेरे पास आके मेरे छोटे स्टेट में बैठ गए कि मैं तो करना ही नहीं। अरे मैंने कहा मरा दिया, 3 दिन बाद हमारा चुनाव है, मैं भी देख लो कहता हूं हमारी दुकान उठ जाएगी न कह चमके। फिर यहाँ खलील साहब खानदार साहब थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, एक जो जयंत थे वो भी खान साहब थे जिन्होंने इनकी हाजिरी कर मरी। मैंने उनके पास, मैंने खलील साहब के पास फोन आया, पुलिस इनको लेने आ गई। मैंने मना किया, खलील साहब ये लेबर है, मैं आ रहा हूँ खुद बात करने। बीडीओ साहब, जयंत साहब, पंचायत समिति के स्टाफ सब थाने में चले गए, सरकार की तरफ से इन पे एक मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गए FIR लेके। जब मैं थाने में भागा, मैंने कहा अगर आप इनके खिलाफ दर्ज कराओगे मुकदमा तो मैं भी इसकी तरफ से, मैं जयंत ने इनसे क्या क्या मांग करी है मैं भी एक मुकदमा दर्ज करूंगा। और मैंने CI साहब को कहा इसमें जिसने मुकदमा दर्ज करा जयंत साहब तो 2 मिनट में इनसे अलग बात कर लो, अलग ले गया। और मैंने कहा या तो तू वापस ये ले ले फाइल, नहीं तो तू प्रोबेशन पीरियड में है, नौकरी तेरी पक्की नहीं है, तेरी 7 पीढ़ी तक मेरा दावा तेरी नौकरी नहीं लगने दूंगा। वो तो बीडीओ साहब पास गया, खेल साहब मारे भाई बाजी दे दो। तो उस दिन से भील समाज मेरा मेरा कहना मानते हैं, जब मैं सरपंच साहब इन सबको सरकार की जमीन पर बैठे थे, आए दिन इनको कई पैसे वाले इनको हटाने के लिए लड़ चलते थे, मैंने इनको 200-200 रुपए में पट्टा बड़े सौभाग्य की बात है। मैं दिल्ली रहता हूँ, मारवाड़ सेक्शन से काफी पैतृक गांव तो मेरा हुआ है। मारवाड़ सेक्शन विधानसभा से करीब 20-22 MLA टिकट की लाइन में लगे हुए थे और केसाराम जी बम्बई पुणे मद्रास पीले चावल बांटने गए हुए थे। तो संजोग से हमारे मारवाड़ विधानसभा से किसी सज्जन की रेलवे में ड्यूटी लगी हुई तिरछी, वो सब तो टिकट की लाइन में लगे और केसाराम जी उनके ट्रांसफर के लिए मारवाड़ में लगे हुए कि भाई इसका ट्रांसफर करवाना है। तो संजोग से काकू वहां दिल्ली पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा काकू आप पढ़ा रहे हुए हैं, आप भी किसी न किसी मंत्री से मिले। तो बोले नहीं मुझे किसी मंत्री से मिलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भाग्य में है तो भाग्य आएगा, भाग्य में नहीं है तो आके चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी मैं तन मन के उसके साथ लगाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताऊंगा। इतनी तादाद में वहां भीड़ थी और जैसे ही मंत्री जी की नजर केसाराम जी पे पड़ी और मंत्री जी ने वो 3-4 हजार पब्लिक में से केसाराम जी को साइड में बुलाया कि काकू आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो काकू ने कहा मैं तो कोई अलग कारण से आया था, लेकिन संजोग से यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपका टिकट काकू मारवाड़ आपके घर पे आएगा। उस दिन ये बात सुन के मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि राजनीतिक में साथ हो तो काकू केसाराम जी जैसी साथ हो। मैं टिकट के पीछे भागते हैं और टिकट काकू के पीछे भागता है। उस दिन मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति आज मोदी जी को कियो कि आज मैं इन 2-3 तारीख के बाद मैंने कौन बुलाए कि आप गांव में कच्चो घर किनो है, किन्ने केलू वालो है और किन्ने झोपड़ी में रह गयो है, वो लिस्ट बना दे जो
सबरे पक्को घर देवला आज ना मोदी जी और दूसरी बात आकी कि भाई जिन लोगों ने राशन दो काम जिन्हें गेहूं मिल गया है उन्होंने 5 साल तक और दे आज सीमा 5 साल तक बढ़ा दी। मतलब मोदी जी गरीबी उठी और व्यक्ति है उन्हें मालूम है कि गरीबी कोई चीज है और वन गरीबी ने की कर लोग जी लिया है। अभी बात कह नहीं दिया है और भी काश्तकारों ने वास्ते भी बात कही कि 6,000 रुपये उन्होंने मिले काश्तकार ने 12,000 दे 2.5 लाख युवाओं ने नौकरी दे आदरी भाषण में बोले देखा बात बता रही हूं। पेट्रोल ने डीजल 3 तारीख को 10 रुपये कम कर लेना। मतलब एक चीज आज अठे मोदी जी कही तो मारा ही भाग रहा कि मारी विधानसभा में आ मीटिंग ली और एक नंबर बूथ मत एंट्री भारी है। मगर एक बात ये तो बात मोदी जी की जगह मैं कही हूँ मगर मनोहर सिंह जी भी कई बात की मगर मैं एक बात कहना चाहूँ कि मारवाड़ जंक्शन में बसावट अलग टाइप की थी आप बहुत परेशानी थी दुविधा है इनमें अठी ने जाओ तो वटी ने जाओ बस में लेना ज्यादा वे तो पानी भरी जाए अटे ने लोगों इन मारवाड़ ने ठीक करने वास्ते मनोज सिंह जनते सरपंच फाते को वन टाइम रहा तो उन्हें सीवरेज रहा अन कोशिश तो करी थी करी थी। अरे भगवान करी ने हमें सर्वे कटे काम लिया मतलब एक बात है कि मारवाड़ में समस्याओं है मेरी एन पूरी मारवाड़ में आ गई ने अठी ने वेरे ने टूटी है टूटे पानी की बात बहुत जीवन में सब ज्यादा पानी चाहिए और माताओं बहनों ने तो सब मोटी तकलीफ पानी दी है कपड़ा ही धोबी के साथ मतलब मानो अपना मारवाड़ भी बहुत है मगर मोदी जी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को एक योजना चालू करी है और वन योजना में मैं एमएलए हो जाने जवाई बांध रो पानी नरसिंहपुरा चौराहे माते फिल्टर हाउस बनाए ने मम्मी व्यवस्था करी उन्होंने पहला 98 में उड़ी जाने सीरियारी में पानी लाए माते फिल्टर हाउस बनाया तो मतलब मन में आ है कि मारवाड़ ने अपो ठीक की कन करो कोई मारो एक लारो जिम्मेवारी नहीं है मैंने तो थे जिम्मेवारी हूँ कैसा नाम अटे दस्तखत कर मैं दस्तखत कर मगर अपे सब मिलने हो चो के मारवाड़ ने ठीक किकन करनी विचार करो मान लो मारी जगह थे हो तो थे किकन करो तुम्हारा तो विचार में लेने वन चीज है करा दी प्रयास कर भाई आपने पूछ लो थे जे एमएलए चलो थे आम चीज ने ठीक किकन कर तकलीफ है वन तकलीफ ने अपे पूरी तो नहीं मिटा सको मगर उन्हें कम किकन करो वह चीज हमारा हमारा दिमाग में रहे हर टाइम एक बच्चा आने कोई सलाह देता हुए नहीं तो मैंने पूछो कि बेटा क्यों क्या करना है ताकि वो भी कोई अच्छी बात बता दे तो मैंने उपयोग कर लो मगर इन हारू मैं विशेष आज इन बातों में निवेदन करूं इन मारवाड़ ने आपको हैंड मिलने पे और कमी नहीं आऊंगा
मगर मुझे ठीक करने वास्ते रस्सो चाहिए। अरे भाई आइडिया थाने पूछू मैं लो तो भाई जो गुंजाइश कर ले। नितिन गडकरी कह रही कि सरकार आरू कहे से कि कोई कमी नहीं है, प्लान बना के लाओ। अब भारत ने इन बात रो गर्व बहना चाहिए कि भारत में जेका चीज कर रही है मोदी। आप देखियो विश्व में नव अजूबा है, मतलब जिन्हें आप कहोगे अचुंबव है, नव चीजों ऐडी है जिन अचुंबव है दुनिया में। मगर मोदी जी के चीजों करिए वे दुनिया में सब अलग अचुंबव है। आप देख जम्मू कश्मीर की सड़क रवाना कर रहे हैं, केरल तक ले जा रही है, विश्व की सब बड़ी सड़क कोई बनेला तो भारतमाला परियोजना बन गई।